आप जनरली अपनी राय किसके आधार पर, किसके बेसिस पर बनाते हैं? जो हमने देखा हो, पढ़ा हो या सुना हो, इसी के बेसिस पर ना? पर जो भी हम देख, पढ़े या सुन रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन एक तरफा भी हो सकती है, यानी कि हमारी राय जो बन रही है वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकती है, और अगर हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं तो फिर शायद हम सही और गलत में अंतर भी नहीं कर पाते। मगर सही और गलत में अंतर करना बहुत जरूरी है, और इसी के बारे में आज की बुक समरी है थिंक अगेन, जिसे लिखा है ऑथर एडम ग्रांट ने। आज जहां चारों तरफ इंफॉर्मेशन की भरमार है, ऐसे में आप क्रिटिकल तरीके से कैसे सोचेंगे? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ? इसकी शुरुआत होती है स्किल ऑफ रीथिंकिंग से। इस समरी में आप सीखेंगे कि गलत होने के भी कई फायदे हैं, जो हमें सीखने का और सोचने का दायरा बढ़ाकर दुनिया को देखने का मौका देते हैं। इस बुक के ऑथर एडम ग्रांट एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही वो वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर भी हैं। उन्हें मोटिवेशन, जेनरोसिटी और क्रिएटिविटी के फील्ड में रिसर्च वर्क के लिए भी जाना जाता है। ग्रांट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। आइए शुरू करते हैं थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट। आज के मॉडर्न दौर में रोज नए इन्फॉर्मेशन और आइडियाज निकलते हैं। आज के टाइम में सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है, पर अनसर्टेनिटी के इस टाइम में भी लोग अपने बिलीफ्स पर कायम रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई बार इंसान के लिए अपने बिलीफ्स पर बने रहते हुए सच तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यह भी एक कारण है कि लोग अक्सर बहस करने लगते हैं। लेकिन इस बुक के ऑथर एडम ग्रांट का मानना है कि हर किसी को अपने अंदर रीथिंकिंग की स्किल डेवलप करनी चाहिए, यानी कि अगर इंसान हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दे तो उसके कई गुना ज्यादा फायदे होंगे, बजाय इसके कि वो हर बात पर आसानी से यकीन कर ले। तो इसकी शुरुआत होती है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हमें दुनिया की हर चीज के बारे में नहीं पता है, यानी हमारे लिए काफी कुछ सीखना अभी बाकी है। इंसान अगर जिंदगी भर सीखता रहे तो भी सीखने और जानने के लिए इस दुनिया में इतना कुछ है कि उसकी उम्र कम पड़ जाएगी। बेशक कई लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक टूल है जो आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सीखने का मौका देता है। रीथिंकिंग के लिए आपके अंदर विनम्रता का होना जरूरी है। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं। इसीलिए इस फैक्ट को हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि हम गलत भी हो सकते हैं हमें रीथिंकिंग के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। अ प्रीचर, अ प्रोसिक्यूटर, अ पॉलिटिशियन एंड अ साइंटिस्ट वॉक इनटू योर माइंड। आज चारों तरफ इंफॉर्मेशन की भरमार है। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए पलक झपकते ही मिल जाती है। अगर यूं कहें कि हम पर लगातार तेजी से इंफॉर्मेशन की बौछार हो रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने बिलीव्स के बारे में सोचना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, प्लूटो को कई दशक पहले तक एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह गलतफहमी दूर हुई है और लोग अब मान चुके हैं कि प्लूटो अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। प्लूटो प्लैनेट नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए काफी टाइम तक रिसर्च चलती रही, और जब इस बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली तो साइंटिस्ट्स की राय भी बदली और अलग राय के रास्ते भी खुले। जब हमें किसी चीज पर डाउट होता है तो हम सीधे सीधे सेकेंड ओपिनियन के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर डॉक्टर हमारी किसी बात का खुलासा करता है तो हम हमेशा कंफर्म करने के लिए दूसरे डॉक्टर की राय यानी कि ओपिनियन लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अपने ओपिनियन की बात हो तो ऑब्जेक्टिव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए खुद को गलत समझना मुश्किल होता है और सही समझना ज्यादा आसान होता है। इस बात को और एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां स्टीफन ग्रीनस्पैन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि फाइनेंस स्कीम का शिकार बना था। स्टीफन की बहन का नाम जेन था। उसका एक दोस्त था गैरी, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। तो हुआ यह कि जेन और गैरी एक खास फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। दोनों को इसमें काफी हाई रिटर्न दिख रहे थे, इसलिए दोनों इसमें पैसा लगाना चाहते थे। उनकी देखा देखी स्टीफन ने भी सेम फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। अपनी बहन जेन और उसके फ्रेंड गैरी के एक्सपीरियंस को देखते हुए उनके एनकरेज करने पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। हालांकि उसने जब अपने करीबी दोस्त एना से कंसल्ट किया तो उसे यह आइडिया कुछ जमा नहीं।
एना ने स्टीफन से कहा कि वो इस फंड में पैसा इन्वेस्ट ना करे। इसके बावजूद स्टीफन ने अपनी सेविंग्स का 1/3 हिस्सा फंड में लगा दिया। उसे काफी बड़ा प्रॉफिट नजर आ रहा था। उसका पोर्टफोलियो 25% तक बढ़ गया था, लेकिन रातों रात उसने अपने सारे पैसे गवा दिए। ये फंड एक पोंजी स्कीम निकली, यानी कि यह फंड एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड था। लेकिन स्टीफन ने इतनी बड़ी गलती की कैसे? ये माइंडसेट की बात है। तीन टाइप के माइंडसेट होते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं जब हम दूसरों से किसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। यह है प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। प्रीचर माइंडसेट तब जागता है जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बिलीफ्स को चैलेंज कर रहा है। तब आप अपने बिलीफ्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट तब होता है जब आपको लगता है कि सामने वाला गलत सोच रहा है और आप सही हैं। तब आप सामने वाले को गलत प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉलिटिशियन माइंडसेट तब एक्टिव होता है जब आप किसी ऑडियंस को कन्विंस करना चाहते हैं। आप किसी और को अपने बिलीफ्स मानने और पसंद करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। इन माइंडसेट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप कभी भी अपने व्यूज के बारे में नहीं सोचते। आपके माइंड में एक बार भी यह ख्याल नहीं आता कि आप भी गलत हो सकते हैं। स्टीफन के केस में उसकी बहन एक प्रीचर की तरह थी। जेन यही बोलती रही कि इस फंड में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है। उसके इसी कॉन्फिडेंस ने एना को प्रोसिक्यूटर बना दिया, जो इस फंड की इतनी तारीफ सुनकर थोड़ा अलर्ट हो गई थी। स्टीफन भी पॉलिटिशियन माइंडसेट से सोच रहा था। वो गैरी की हामी यानी कि अप्रूवल और उसका रिस्पेक्ट जीतना चाहता था, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर था। और इन तीनों माइंडसेट के प्रेशर में आकर स्टीफन ने एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया। अब इस तरह के माइंडसेट को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू कर दें। एक साइंटिस्ट की तरह चीजों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की आदत डालें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाएं। साइंटिस्ट कभी खुद को 100% सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो सही होता है उसे डिस्कवर करते हैं। वो एविडेंस पर बेस्ड अपने व्यूज को अपडेट करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, यानी उनके डिसीजन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट किसी और माइंडसेट के शिकार नहीं हो सकते। साइंटिस्ट भी कई बार प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन की तरह सोचते हैं। लेकिन इससे बचने का सीक्रेट यही है कि आपका मकसद सही हो। अपने आइडियाज या बिलीफ्स पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। दूसरों की बात को नकारने के बजाय डिस्कवर करने पर फोकस करो। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब है कि आपके सारे फैसले सही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते तो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। रिसर्च से पता चला है कि जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वो लोग ज्यादा स्टीरियोटाइप हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन पैटर्न्स को देखने में ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसका मतलब यह है कि आप जितना इंटेलिजेंट होंगे उतना ही आपको बिलीव्स चेंज करने में मुश्किल आएगी। अपनी लिमिटेशन को पहचानने में हमें अक्सर ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे में एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि हम गलत हैं, चाहे हमारे सामने नए सबूत ही क्यों ना रख दिए जाएं। क्या ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना? इसे तो दोबारा सुनने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, डांसेस विद फोर्स। अक्सर लोगों को लगता है कि डिबेट का मतलब है एक सही और दूसरा गलत, पर असल में ऐसा नहीं है। फॉर्मल डिबेट में आपका गोल होता है सामने बैठी ऑडियंस का माइंड चेंज करना, यानी उन्हें कन्विंस करना कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर भी गौर करें, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को लेकर उनके माइंड में पहले से ही बिलीफ या ओपिनियन होते हैं। इनफॉर्मल डिबेट में आप अपने पार्टनर के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों की गलतफहमी है कि डिबेट का मतलब बहस करना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिबेट को आप नेगोशिएशन की तरह मानकर चलें। आपका गोल है किसी एक सब्जेक्ट की सच्चाई से अपने पार्टनर को वाकिफ करवाना। यहां सीक्रेट यह है कि आप ऑडियंस को ओपन माइंड होकर सोचने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, न कि उन्हें बहुत सारे कारण देकर हराने की कोशिश करते हैं, वरना उन्हें बुरा लग सकता है और वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। अगर ऑडियंस ओपन माइंड नहीं है तो वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगी। बेसिकली आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपने बिलीफ्स के बारे में दोबारा सोचें। ऑथर एडम ग्रांट डिबेट को डांस से कंपेयर करते हैं, जहां आप लगातार बातचीत कर इंस्ट्रक्शन को अपना रहे हैं। अगर आप खुद पार्टनर को लीड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके खिलाफ चला जाए, लेकिन आप दोनों के पैरों का तालमेल अगर ठीक से मैच करता है तो ही आपका डांस स्मूथली चल सकता है। आपका गोल अपने पार्टनर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना नहीं है,
बल्कि उसकी ताल से ताल मिलाकर चलना है। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट पर गौर करते हैं, जहां एक नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर और एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर को एक डील फिक्स करनी थी। रिसर्च करने वालों ने दोनों के डील करने का तरीका स्टडी किया। उन्होंने देखा कि तैयारी की स्टेज में नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर अपनी बात मनवाने के लिए हर तरह के कारण देते हैं। ये अपने प्रपोजल के बचाव और उसके पक्ष में रखने के लिए कई कारण दे रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट के डील करने का तरीका अलग था। उन्होंने अपनी बात प्रूव करने के लिए बहुत कम कारण दिए थे। जब आप किसी को अपने कारण और आर्गुमेंट से हराने की कोशिश करते हो, तो असल में आप उसे कई सारे ऑप्शंस दे रहे होते हो, और एक बार उसके हाथ कोई कमजोर आर्गुमेंट आ जाए तो उसके लिए आपकी बात को रिजेक्ट करना इजी हो जाता है। एक बार अगर आर्गुमेंट रिजेक्ट हो जाए तो बाकी को रिजेक्ट करना और भी इजी हो जाता है। इससे न तो उनका माइंड ओपन होगा और ना ही वो आपकी बात को आगे सुनेगा। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह से नकार देगा। एक्सपर्ट नेगोशिएटर अक्सर खुद को कोई कारण देकर बचाने के बजाय सवाल पूछते हैं। उनका गोल सामने वाले को डोमिनेट करना नहीं होता, बल्कि वो एक क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं। वो उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए सवाल पूछते हैं। एक्सपर्ट नेगोशिएटर इस इंफॉर्मेशन की मदद से किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो और जिससे दोनों पार्टी सहमत हो जाएं। ये एक क्रिटिकल पॉइंट दिखाता है जब आप दिखाते हैं कि आप सामने वाले की बात को सुनने और अपना माइंड चेंज करने को तैयार हैं, तो सामने वाला भी यही करेगा। वो भी आपकी बात सुनने और माइंड चेंज करने को तैयार हो जाएगा। इससे आप प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन जैसे कम लगेंगे। इससे शो होगा कि आप सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो, न कि सामने वाले को गलत प्रूव करना चाहते हो, और ये चीज आपको ज्यादा रीजनेबल और क्रेडिबल बनाती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी गलती मानने को तैयार रहते हैं, उन्हें ज्यादा पॉजिटिवली लिया जाता है। नए आइडिया और इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए ओपन माइंडेड होना आपकी अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। खासतौर पर जॉब इंटरव्यू के वक्त ये बात और भी मैटर करती है। लोग ऐसे कैंडिडेट को हायर करना पसंद करते हैं जो अपनी लिमिट को जानते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ ऐसे लोगों को कम पसंद करते हैं जो सीखने से ज्यादा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में डींग मारते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चार्ज्ड कन्वर्सेशंस। क्या आप कभी किसी इमोशनल आर्गुमेंट में फंसे हैं? शायद किसी पॉलिटिकल या क्लाइमेट चेंज या फिर फांसी की सजा जैसे मुद्दे पर आपकी किसी से बहस हुई हो। अक्सर दूसरों से इस तरह के इमोशनल आर्गुमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। लोग कई बार बहस करते करते बेहद गुस्से में आ जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है। एक अलग ओपिनियन सुनकर हम अपने ओपिनियन पर दोबारा सोचना ही नहीं चाहते। हम बस मान लेते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत बोल रहा है, और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। दो अपोजिट राय और एक पोलराइजेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं। पोलराइजेशन का मतलब है दो अपोजिट व्यूज या बिलीव्स के बीच एक डिवाइड क्रिएट करना। ये फीलिंग बाइनरी बायस का रिजल्ट है। लोगों को आदत होती है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को दो एक्सट्रीम में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अबॉर्शन के ऊपर होने वाले आर्ग्यूमेंट को हम प्रो या एंटी अबॉर्शन का टैग दे देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेट है जिसमें कई बातें कंसिडर होती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ये समझें कि किसी एक टॉपिक पर एक से ज्यादा नजरिया भी हो सकता है। हर टॉपिक का सिंपल हाँ या ना में या प्रो या एंटी में जवाब नहीं होता। हमें कई बातें कंसिडर करनी होती हैं और कई पहलुओं पर गौर करना पड़ता है। ये एडिड कॉम्प्लेक्सिटी लोगों को हम्बल फील कराती है। इससे शो होता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं जानते या आपने आज से पहले गौर नहीं की थी। इससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर दोबारा सोचने का मौका भी मिल जाता है। अब जरा न्यूयॉर्क के डिफिकल्ट कन्वर्सेशन लैब में इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करते हैं। यहां लोगों को किसी अजनबी के साथ एबॉर्शन के टॉपिक पर 20 मिनट तक डिबेट करने का मौका मिलता है। अंत में आप दोनों डिसाइड करेंगे कि आप एक दूसरे से अग्री करते हैं या नहीं। फिर आप अपने सिर्फ इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं हैं। इसे एक ग्रुप के तौर पर भी ट्राई किया जा सकता है। कई बार एक ग्रुप के सर्वाइवल के लिए ये डिफरेंस हो सकता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में सीखने का कल्चर ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहां रीथिंकिंग काफी अच्छे से सिखाई जा सकती है। लर्निंग कल्चर में आम तौर पर लोग अपने नॉलेज की लिमिट को जानते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते।
इस वजह से उन्हें ओपन माइंड अप्रोच अपनाने में हेल्प मिलती है और इन लोगों के अंदर नई चीजें सीखने और ट्राई करने की इच्छा भी ज्यादा होती है। एक तरह से कहें तो इन्हें इनोवेट करना पसंद होता है। यहां हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे रीथिंक न कर पाने की वजह से किसी की जान जाते जाते बची। एक एस्ट्रोनॉट लुका परमितानो स्पेस में ऑलमोस्ट डूबने ही वाला था। वो अपने पार्टनर के साथ स्पेस वॉक कर रहा था कि तभी लुका को फील हुआ कि जैसे उसके हेलमेट के पीछे काफी सारा पानी है। पानी इतना ज्यादा था कि पसीना तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसने मिशन कंट्रोल को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। मिशन कंट्रोल ने लुका और उसके पार्टनर को उसी वक्त स्पेस वॉक से लौटने का ऑर्डर दिया और उन्हें कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा। दोनों लौटने की तैयारी कर रहे थे और अभी भी लुका के हेलमेट के पीछे से पानी बह रहा था। उसके लिए अब देख पाना और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जब दोनों शिप के एयर लॉक पर पहुंचे तो उन्हें कुछ देर वेट करना पड़ा। लुका के साथी को अपनी सुरक्षा के लिए एयर लॉक को दबाने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत थी और लास्ट मिनट में लुका अपना हेलमेट उतारने में कामयाब हुआ और उसकी जान बच पाई। बाद में दोनों को पता चला कि हेलमेट के साथ लीकेज की प्रॉब्लम थी। स्पेस वॉक पर जाने से पहले लुका ने अपने हेलमेट में कुछ पानी की बूंदों को देखा था। उसने स्पेस क्रू को तुरंत इन्फॉर्म किया। उसे और स्पेस क्रू को यही लग रहा था कि शायद सूट के ड्रिंक बैग की वजह से यह सब हुआ था। हर सूट में एक ड्रिंक बैग होता है ताकि एस्ट्रोनॉट पूरा वक्त हाइड्रेटेड रहे। उन्हें लगा कि ड्रिंक बैग में मामूली सी लीकेज हो रही है, इसलिए उन्होंने इस बार में ज्यादा छानबीन नहीं की। और प्रॉब्लम यह था कि उन्हें लगा कि ड्रिंक बैग लीकेज एक नॉर्मल चीज है। नासा ने अपनी पिछली कई गलतियों की तरह इस गलती से भी एक सबक सीखा। बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच रहने से अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो अक्सर लापरवाह भी हो जाते हैं, जैसे कि लुका का सूट लीक इसका एक एग्जाम्पल है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग कल्चर कैसे बनाओगे? आप कैसे लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अड़े होने से रोकोगे? कैसे आप लोगों को दोबारा सोचने के लिए एनकरेज करोगे? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग का जहां तक सवाल है तो ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। लोगों को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वे कैसे काम कर रहे हैं, इसे रिव्यू करें और दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। इस बात को कंसिडर किया जाना चाहिए कि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कई कंपनीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना आम बात है और ये चीज किसी भी वर्क एक्टिविटी पर अप्लाई हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ एक प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एम्प्लॉयज अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ही फॉलो करते हैं या फिर क्लाइंट के साथ बेस्ट प्रैक्टिस में ही कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अक्सर बिना सवाल उठाए ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लोग शायद ही कभी उनके बारे में सोचते होंगे कि ये मेथड सही काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा लोग शायद ही इस बात पर गौर करते होंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिस वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें इम्प्रूव करने या अपडेट करने की भी जरूरत है। रिजल्ट अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस पर फोकस करना ही काफी नहीं होगा। जहां तक रिजल्ट की बात है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही ठीक है, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है और हम नेक्स्ट टाइम भी वही बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। लेकिन ये हमें लॉन्ग टर्म लर्निंग में कभी हेल्प नहीं करेगा। इसे कुछ इस तरह से सोचिए, परफॉर्मेंस पर फोकस करने का मतलब है कि आप टास्क पूरा करने के लिए वो सारी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे जो करनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आप ये कैसे करेंगे। और अगर वो स्ट्रेटजी या प्रोसेस आज के हिसाब से इफेक्टिव नहीं रहे तो यही चीज आपको मुश्किल में भी डाल सकती है, क्योंकि आपको एक खास तरीके से काम करने की आदत पड़ चुकी है। आप एक मिनट भी रुककर ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रोसेस अब काम करेगा भी या कि नहीं। अच्छी स्ट्रेटजी हमेशा थिंकिंग और रीथिंकिंग पर फोकस्ड होती है। अच्छी स्ट्रेटजी तब बनती है जब लोग सवाल पूछने को और इनोवेट करने को तैयार रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग और भी गहराई और क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रीथिंक और इवेल्युएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, न कि सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करे। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को लेने के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एस्केपिंग टनल विजन। हम में से कई लोग एक ही प्लान लेकर बड़े होते हैं। शायद आपने भी 7 साल की उम्र में सोच लिया होगा कि आपको डॉक्टर ही बनना है और फिर आपकी सारी एकेडमिक चॉइस इसी एक गोल की तरफ हो जाती है। लेकिन अगर ये प्लान फेल हो गया तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या होगा अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए? ज्यादातर लोग अपने प्लान के बारे में कभी भी दोबारा सोचना जरूरी नहीं समझते। वो बस एक प्लान बना लेते हैं और उसी को फोकस में रखकर
आगे की जर्नी डिसाइड करते हैं। जब एक स्ट्रेटजी फेल होती है तो हम और ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करते। हालांकि ऐसे में हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। रिसर्च दिखाती है कि एंटरप्रेन्योर्स के मामले में ये बात और भी ज्यादा सटीक बैठती है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो लोग क्यों उसी से चिपके रहते हैं? वो कोई सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं सोचते? संक कॉस्ट इसमें एक फैक्टर है। संक कॉस्ट फॉलिसी का मतलब है कि किसी चीज के लिए गलत होने के बाद भी उसी को बार बार करने पर जोर देना। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस टास्क पर अपने रिसोर्सेस, टाइम और पैसा लगा चुके होते हैं और अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं बची है। आप अपने डिसीजन को सही साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी आप हर हाल में खुद को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक एविडेंस आपको गलत बता रहे हो। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है कि हम कभी अपनी गलती नहीं मानना चाहते। किसी एक डिसीजन पर डटे रहना बड़ा सीधा और सरल होता है और यह बड़ी आसानी से हमारी पहचान का हिस्सा बन सकता है। जैसे कि मान लो कि कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आप इंग्लिश मेजर चूज करते हैं क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आपको एहसास होता है कि आपको तो राइटिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको मेजर फिनिश करने की जरूरत नहीं है, आप मेजर चेंज करके कुछ और भी ले सकते हो। हमेशा नई पॉसिबिलिटी या ऑप्शन के लिए माइंड ओपन रखें। ऐसा न करना आपकी ग्रोथ में रुकावट बन सकता है। ज्यादातर लोग खुद को चांस ही नहीं देते कि वो अपने बारे में और अपनी चॉइस या पैशन के बारे में कुछ और भी जान सके। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अपने प्लान्स और कमिटमेंट को लेकर रीथिंकिंग जरूर करते रहें। हो सकता है कि आप जो काम आज से कई साल पहले करना चाहते थे शायद आज न करना चाहें। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसे करने के लिए संक कॉस्ट को खुद पर हावी मत होने दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स इस जाल में फंस जाते हैं। जो करियर उन्होंने 20 की उम्र में अपने लिए सोचा था उसी के हिसाब से वो प्रेजेंट में प्लानिंग कर रहे होते हैं और 10 साल बाद यही लोग अपनी जॉब से बुरी तरह से ऊब जाते हैं। इसीलिए हमेशा नई पॉसिबिलिटी और फ्यूचर को माइंड में रखकर चलें। इसमें सीखने वाली बात यह है कि किसी चीज को छोड़ देने में और कुछ नया ट्राई करने में डरना नहीं चाहिए। करियर चॉइस के मामले में यह बात खास तौर से सही साबित होती है। कई बार आपको बाद में पता चलता है कि आप किसी और चीज में अच्छे हैं, इसलिए जो स्ट्रेटजी या प्लान काम नहीं कर रहा उसे छोड़ दो। आप कभी भी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो, यहां तक कि आप अपनी उस जॉब को भी चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद नहीं है। और ये आखिरी कुछ लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ बढ़कर हम आगे पहुंच जाते हैं कंक्लूजन पर, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा और सुना उनके की पॉइंट्स अब हम रिवाइज करेंगे। इस समरी से आपने सीखा कि हमारे पास दुनिया की हर नॉलेज नहीं है। ये जानना भी इंसान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं, और इंसान गलतियों का पुतला होते हैं। इसलिए हम गलती करते हैं, कई बार पक्षपात भी करते हैं और कई बार हमारा जजमेंट भी गलत होता है। गलती करना नॉर्मल ह्यूमन नेचर है और हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए लगातार दोबारा सोचना जरूरी है। इस समरी में पहली चीज जो आपने सीखी वो ये कि रीजंस को लेकर लोगों के टिपिकल माइंडसेट होते हैं। अक्सर लोग या तो प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या फिर पॉलिटिशियन माइंडसेट के होते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस दूसरों का माइंडसेट चेंज करने पर रहता है। मगर बदकिस्मती से सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाने में इनमें से कोई भी मेथड काम नहीं आता। जब आप उनका माइंड बदल ही नहीं सकते तो बेहतर है कि एक साइंटिस्ट की तरह सोचा जाए। अगर आपके पास दूसरों से ज्यादा नॉलेज है तो इसका दिखावा ना करें, बल्कि जितना हो सके हम्बल बने रहें। बेशक हम कितना भी जानते हों तो भी दूसरों से काफी कुछ सीख सकते हैं। खुले दिमाग से दूसरों की बात सुने, जिससे दूसरे भी आपकी बातों पर गौर करने लगेंगे। जब वो सुनने को तैयार होंगे तभी तो आप उनसे बातचीत कर पाएंगे। दूसरी चीज आपने सीखी कि कैसे हम दूसरों को रीथिंक करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों को एनकरेज करने का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे बहस कर रहे हैं। हमें किसी लॉजिक पर बेस्ड अपने बिलीव्स दूसरों पर नहीं थोपने हैं। ये काफी हद तक डांसिंग या नेगोशिएशंस जैसा है। एक दूसरे की बात से अग्री करने के लिए दोनों पार्टनर की मर्जी होनी चाहिए। आप और आपके नेगोशिएटिंग पार्टनर के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप एक दूसरे की बात को खुले दिमाग से सुन सके। तीसरी बात, आपने बाइनरी बायस अवॉइड करने के बारे में सीखा। यह तब और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको इमोशनली चार्ज्ड मुद्दे पर बात करनी हो, जैसे कि अबॉर्शन वगैरह।
किसी भी प्रॉब्लम को देखने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर हम ये बात समझ जाएं तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्रिटिकली सोचने का मतलब है कि आप प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। चौथी बात, आपने जाना कि एक ग्रुप के तौर पर रीथिंक करने से इनोवेशन और क्रिएटिविटी के नए रास्ते खुलते हैं। ट्रेडिशन को लेकर बहुत ज्यादा अटैच्ड ना हो। टाइम निकाल कर सोचें कि कोई भी मेथड या स्ट्रेटेजी अभी भी इफेक्टिव है या नहीं। और लास्ट में आपने सीखा कि रीथिंकिंग आपको टनल विजन यानी कि लिमिटेड सोच या नैरो माइंडेड बनने से बचने में हेल्प कर सकती है। किसी एक गोल जैसे कि करियर को लेकर अटैच्ड हो जाना बहुत इजी होता है। नए डायरेक्शन और पॉसिबिलिटीज को लेकर हमेशा ओपन माइंडेड रहें। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में किसी एक तरह की सोच में फंसना बहुत आसान है, इसीलिए आज रीथिंकिंग की और भी ज्यादा जरूरत है। हमेशा ओपन माइंडेड रहें, क्यूरियस रहें, इससे आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स में और ज्यादा गहराई से सोचने में हेल्प मिलेगी। आपका गोल होना चाहिए एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना, जो कि हमेशा नई नई चीजें सीखता रहे। एज एन इंडिविजुअल मुझे ये समरी कमाल की लगी। इस समरी और इस समरी के प्रिंसिपल्स पर अप्लाई करना नीड ऑफ द आर है, यानी कि समय की जरूरत है, समय की मांग है। इस समरी को एक बार नहीं बार बार सुना जाना चाहिए, और केवल हमें अपने तक नहीं रखना चाहिए। हमें कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट द होम, घर के एक एक सदस्य को, अपने दोस्तों को, अपने अपनों को ये समरी सुनवानी चाहिए, क्योंकि वाकई में ये इन्फॉर्मेशन का दौर है और इन्फॉर्मेशन से या किसी और की कही बात से इन्फ्लुएंस हो जाना बहुत आसान है, जो कि हम हो रहे हैं। और तब जरूरत पड़ती है रीथिंकिंग की, जो इस बुक समरी का टाइटल है, थिंक अगेन। आप मेरी बात से सहमत हैं? और क्या आप इस समरी को सभी को सुनवाएंगे? तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए अग्री, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपने अग्री लिखा और मैं समझ जाऊंगा कि इस समरी की इंपॉर्टेंस को आपने समझ लिया है और इसके हर एक पॉइंट को आप अपने जहन में रखकर चलने वाले हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो इस वादे के साथ कि बहुत जल्द एक और लर्निंग समरी लेकर के आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग।